सभी साथियों को जय भीम। लाइव हम सभी साथियों को जय भीम लाइव हम आ चुके हैं और ये वीडियो इसलिए पूरी जनता के लिए और एक एज ए प्रूफ इस तारीख को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 22 तारीख है, 22 जनवरी है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे लिए जो पीछे 144 का नोटिस लगाया है, मैं दिखाती हूँ जिस तरीके से इलीगल तरीके से हमारा प्रोटेस्ट डिटेन किया और 144 का नोटिस लगाया, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए कि अभी तमाम पुलिस हमारे 144 का नोटिस ये कहता है कि चार लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते इनके हिसाब से, इसलिए हमें ये डिटेन करते हैं। और आप मेरे पीछे देखिए, एक मिनट इधर आ जाओ और आप मेरे पीछे ये देखिए कि पुलिस खड़ी है और किस तरीके से इतने सारे लोग हैं। और यूनिवर्सिटी के ऊपर देखिए ये जय श्री राम लिखा हुआ है। आज के दिन मैं बैक कैमरा करके दिखा दे रही हूँ, हाँ ये बैक कैमरा करके मैं आज आपको सब दिखा दे रही हूँ। यही पुलिस खड़ी है सारी, मैं पास ले जाके भी पूरा SHO साहब भी मौजूद यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए, और यहीं पर ठीक इस गोल चक्कर पे बाबा साहेब की फोटो लगी थी प्रतिमा, और बाबा साहेब की फोटो यहाँ से हटाई गई। और मैं आपको ये चीज दिखा दूं, तमाम बाबा साहेब की फोटो हटा के हमारा पूरा धरना स्वाप यहाँ से हटा लिया गया। और ये इतनी ही बड़ी बाबा साहेब की फोटो लगी थी, इतनी ही बड़ी बाबा साहेब की फोटो लगी थी। और इधर हमारा एक बहुत बड़ा बैनर लगा था। और मैं ये इसलिए एक अपने पास रिकॉर्ड रख रही हूँ कि हमारे धारा 144 का नोटिस हमारे लिए था। मैं आपको सेक्शन 144 भी दिखा देती हूँ, जो यहाँ पे कहा जाता है कि चार लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। तो ये सेक्शन 144 साथियों, ये सेक्शन 144 धारा और CRPC ये लगी हुई है ये यहाँ पे। और यहाँ पे ही ठीक उस तरफ भी सेक्शन 144 लगा हुआ था। और आप देख लीजिए SHO भी मौजूद है, सब मौजूद है। और आज यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, किसी बाकियों के लिए सेक्शन 144 नहीं है, हमारे लिए सेक्शन 144 है। देख लीजिए SHO साहब भी मौजूद है, ये SHO साहब खड़े हैं सामने। SHO साहब कैसे हो? SHO साहब, तो मैं ये इसलिए आप सबको बता रही हूँ कि हमें सबसे प्यार है, हमें किसी से नफरत नहीं। हमारा भारत का संविधान इस सारी चीजों की इजाजत देता है। और इस तरफ हमारा धरना लगा हुआ था और हमारे धरने को कैसे खंड खंड किया गया, हमारे धरने की छत वत सब तोड़ दी गई। और मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि SHO साहब की मौजूदगी में, अब बताएं क्या सेक्शन 144 नहीं है? वहीं नोटिस लगा और वहीं पे ये सब लोग आज इकट्ठे हैं। और ये देखिए ग्रुप, और ये हमारे SHO साहब खड़े हैं, ये पीछे कैप में, ये मैंने शूट भी करके दिखा दी। तो ये चीज सोचने वाली है साथियों कि ये चीज मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ, आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कि अंबेडकर की विचारधारा जो है, जो अंबेडकर से डर है, उस वजह से हमें हटाया गया। क्योंकि जय श्री राम को हमारे अंबेडकर या जय भीम के अगेंस्ट यूज करना, आज भी इन्होंने हमें उकसाया, बहुत कोशिश करी। हम जब जय भीम, हम 148 दिन से यहाँ धरना कर रहे हैं, 148th डे है आज हमारा, और 148 डे से अनडिफीटेड हम लोग यहाँ पे दिन रात धरना करते हैं। और आपने देखा होगा कि इन्होंने किस तरीके से चलाकी से हमें यहाँ उठाया और तमाम लोगों ने हमें उकसाने की कोशिश करी। जब हम जय भीम कह रहे थे, उन्होंने जय श्री राम कहा। तो मैं आप सबको ये चीज बताना चाहती हूँ कि जय श्री राम को जय भीम के अगेंस्ट यूज करना, ये डेमोक्रेसी है। बाबा साहेब के अगर आप जय भीम के नारे लगा रहे हो, उसके खिलाफ इस तरीके से प्रचार करके, मैं आपके साथ वो जरूर वीडियो शेयर करूंगी और आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश करी और हमारे अगेंस्ट एक प्रोपोगंडा करने की कोशिश करी और यूनिवर्सिटी को भगवा करने किस तरीके से किया। और इसी तरीके से बाबा साहेब के फ्लैग्स लगे हुए थे जो इसी पुलिस ने सब हटा दिए, इस तरीके से फ्लैग्स थे नीले और आज सब लगाए। तो मैं आपको ये चीज इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि वही क्रिमिनल सविता रॉय आज अंदर है, बैठी प्रोग्राम फंक्शन में। ये चीज आपको बताना इसलिए जरूरी है आप सबको, क्योंकि ये एक लाइव आज की सिचुएशन का एक रिकॉर्ड रहेगा। आई विल डेफिनेटली शो इट इन कोर्ट ऑल्सो कि यहाँ पे अगर 144 है तो वो सिर्फ हमारे लिए ही क्यों थी। यहाँ पे अंबेडकर जय भीम का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट किया जा रहा है, अंबेडकर के खिलाफ किया जा रहा है, उनके अनुयायियों के खिलाफ किया जा रहा है, उसकी विचारधारा। और मथुरा बाकी झाकी है, काशी अभी बाकी है, हाँ मतलब किस तरीके से मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट करते हुए यहाँ पे नारे लग रहे हैं, ये आज की स्थिति है, ये आज की यूनिवर्सिटी की स्थिति है। ये देखिए फिर से पीछे नारे लग रहे हैं जय श्री राम।
तो हमें तो किससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके की चीजें हमारे अगेंस्ट यूज करना, पुलिस के होने के बावजूद हमें उकसाना और हमारा धरना सिर्फ धरना उठाया क्योंकि अंबेडकर के बच्चे सच बोल रहे थे और डॉक्टर रितु सच्चाई की लड़ाई लड़ रही थी। डॉक्टर रितु एक क्रिमिनल का नकाब खोल रही थी, डॉक्टर रितु वाइस चांसलर की सच्चाई बता रही थी कि वाइस चांसलर ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया, अपराध किया, इसीलिए हमारे साथ ये हुआ। और मैं तमाम लोगों को ये चीज बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप एक नहीं हुए, अगर आपने इनकी स्ट्रैटेजी समझी नहीं, तो देखो ये हर धर्म का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेंगे, हर चीज का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेंगे और आपको इसी तरीके से उस तरह उठा के जब आप इंसाफ हक मांगेंगे तो आपकी इस तरीके से दुर्दशा करेंगे। और मैं आपको ये चीज दिखा देती हूँ, एंड करती हूँ लाइव को। और ये आज सेक्शन 144 का नोटिस लगा है और उसके बावजूद ये देखिए, और हमें हर दिन डिटेन किया जाता है, लट मारा जाता है, मारा जाता है। यही एसीपी यही के डीसीपी ये हाल हमारा करते हैं। ये देखिए, ये एसएचओ साहब खड़े, ये एसएचओ साहब खड़े। हो गया, हो गया, छोड़ो, रुको रुको, ठीक है, कुछ दिखाना है और बस एक राउंड मार के यूनिवर्सिटी गेट का नाम चेंज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी गेट का नाम देखो आज क्या, गेट का नाम जय श्री राम कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी।